किसान भाइयों आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी जानकारी है जैविक फूलगोभी की खेती पर है कि आप जैविक फूलगोभी की खेती कैसे करें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये जैविक फूलगोभी की खेती है और हमने ये तैयार कर रहे हैं इस बार, और आज हमारा इसमें जैविक कीटनाशक का स्प्रे का कार्य चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा छाछ है जो कि अभी पूरा काले रंग का पड़ चुका है, यानी कि छाछ यानी कि गाय का मट्ठा जो कि तैयार किया जाता है, और इसको हमने 1.5 साल में तैयार किया है। दोस्तों इसको तैयार करने की विधि क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप गाय का मट्ठा लीजिए, ताज़ा ताज़ी छाछ लीजिए, और उसको या तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में या आप अपनी जो हमारे उसकी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें रख लीजिए। दोस्तों उसमें 20 से 25 दिन उसको रखें, आप उसको छाया के स्थान पर रखें जहाँ पे छाया है पेड़ के नीचे, या गोबर में कच्ची गोबर में उसको दबा दीजिए। और उसमें आपको तांबा जरूर डालना है तो आप उसमें तांबा डाल दीजिए। तो ये हमारा 1.5 साल पुराना मट्ठा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका फायदा क्या है दोस्तों, जितने भी आपके जो भी आपका जो भी फसल हो आप उसमें इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये आपका फंगस को भी कंट्रोल करता है, और दूसरा आपका जितने भी आपके कीट होते हैं जैसे कि सुंडी होगी, इल्ली होगी, और जितने छोटे छोटे कीट होते हैं उसको भी ये खत्म करते हैं। और आपका एक खाद का काम भी करता है, यानी कि मट्ठा एक अकेला मट्ठा बहुत सारे काम करता है। तो आज हम इसमें स्प्रे का कार्य कर रहे हैं और आपको बताऊंगा कि कितने लीटर मात्रा में कितनी मात्रा इसकी डालनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा 16 लीटर का टैंक है, स्प्रे पावर पंप है जो कि किसान क्राफ्ट कंपनी का है, ये मेरा पावर स्प्रे पंप, आज हम इससे स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसमें मैंने 15 लीटर पानी ले लिया, और इसमें 15 लीटर पानी में आपको ये 1 से 1.5 लीटर, अगर आपको ज़्यादा तेज मात्रा में डालना है तो आप इसको ज़्यादा 1.5 लीटर डाल सकते हैं, तो आपको 1 लीटर। तो ये मेरा 1 लीटर है, मैं आपको इसमें देख सकता हूँ ये मेरा 1.5 साल पुराना 1 लीटर है, तो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, इस तरीके से आपको इसमें डालना है। और दोस्तों ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें स्प्रे ये डालें छाछ, इसमें जाली जरूर लगी होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, ताकि ये छनके जाए अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसमें मट्ठा जो होता है हल्का हल्का वैसा मोटे टाइप का हो जाता है, तो आपको उसमें छानना जरूर है। तो मैं इसमें 1.5 लीटर डाल रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 1.5 लीटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा अब तैयार हो चुका है स्प्रे करने के लिए, और आप इसमें इतनी लीटर मात्रा में डाल लीजिए। जैसे कि अब आपको दिखाना है छानना क्यों है, जैसे कि इसके अंदर ये मोटे मोटे इस तरीके से जाली में फंस जाते हैं, जो भी इसका इसमें जो बेकार होता है वो इस तरीके से फंस जाते हैं, उसको आप ऐसे जमीन में डाल दीजिए। और अब आपको इसमें से पानी डालने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करते हैं, कौन से नोजल से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो दोस्तों आपको इस तरीके से स्प्रे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा नोजल है जो कि फुहारे टाइप का, यानी कि आपको इस तरीके से जैसे शेर के पंजे हो इस तरीके से अपना फुहारा डालता है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए आप ये इस तरीके से अपना फुहारा डालता है, ये देखिए आप आगे से। तो इस तरीके का फुहारा आपको यूज़ करना है इसमें, और आपको मैंने मात्रा बता दी थी कि आपको 16 लीटर पानी में, 15 से 16 लीटर पानी में 1.5 लीटर डालना है, जो कि 1.5 साल पुराना मट्ठा। अगर आप ताज़ा मट्ठा डालते हैं तो आप 2 लीटर डाल सकते हैं 2 लीटर। और ये देख सकते हैं इसमें मैं अब मैं स्प्रे करूंगा पूरी फूलगोभी में। इसमें एक तो मुझे खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैविक खाद में इसमें हमेशा मैं देता हूं, और जितना भी इसमें स्प्रे किया जाएगा उसका मेरा पैसा बचेगा। ये खुद हम तैयार कर सकते हैं अपने घर में, और जिससे मेरी फूलगोभी में कोई भी कीट कोई भी रोग नहीं आएगा। अब मैं इसमें स्प्रे करता हूँ, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें स्प्रे करें। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।